पवन से मारम मोदी काहे याद में आ जाए काहे खाती बच्ची इतना परेशान हो गया उनकी सरकार में खटिया खड़ी हो गई है गरीबन लोगन खटिया खड़ी है और का खाए महंगाई में कमाई को उन्होंने कब 150 रुपया से दाली बिकान हां कबो नहीं हां 150 200 रुपया किलो है मर जाए मनाई आपकी सरकार होएगी ना तो गरीब भूखन मर जाएंगे कौन मोदी मतलब तीसरी बार मोदी जी अगर बन गए बेईमान है हाँ। दिनेश सिंह या राहुल गांधी दिनेश सिंह राहुल गांधी क्या नाम है बच्ची अनीता आपके क्या नाम है दीपाता आपके रानी देवी आपके क्या नाम है अम्मे शांति आपका गुड़िया रानी देवी एक बात बताओ क्या लग रहा है सरकार का कोनो काम योजना आप तक पहुंचा क्या ऐसा ही खाली सब बेकार है कुछ नहीं पाया हम अच्छा महिला हाँ राशन कार्ड बना और कुछ नहीं पाया 30 किलो राशन मिले तो 30 किलो माधी देते आधा दिए आधा नहीं देते वो घपला के जाते का लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं गाँव वाले काहिल बनाए देते आदमी काहिल कॉलोनी मिला हुआ कि नहीं मिला नहीं मिला अच्छा यहाँ से राहुल गांधी मैदान में आए के चुनाव लड़े का लागत है लड़े चुनाव जो कोई नहीं का कार्य वही का धीरे जाइए वोट उनका दिया हो राहुल गांधी रायबरेली से मोदी तो सब ख्याल खवाई है जो 10-20 सर्विस वाला हरान तक खवाई लिया आदमी मारा तुमका चप्पलन से मारा का कह रहे हो चप्पलन से मारा मोदी काहे याद में आ जाए काहे खाती बच्ची इतना परेशान हो गया उनकी सरकार में का दिक्कत होएगा तुमका भाई तो दिक्कत है थोड़ी दिक्कत ही नहीं हमारे पास एक बिसुआ खेती नहीं मॉल लेके हर चीज खाए हर चीज कितनी महंगाई है 400 रुपया किलो लीटर तेल भी का रहा करुआ दाल भी का रही 200 रुपया किलो अरहर के दी और कहा थे 5 साल के लिए और बना दे प्रधानमंत्री मोदी जी तुम काज नहीं का खटिया खड़ी हो गई है गरीबन लोगन खटिया खड़ी है और का खाए महंगाई में कमाई को नहीं कमाई नहीं रही कमाई कोई नहीं है आदमी के बस वह मजदूरी करो नरेगा में कितने रुपए मिला थे वही में काम मिला था कुछ नहीं मिला था मर जाए मनाई आपकी सरकार होएगी ना तो गरीब भूखन मर जाएंगे अगर आपकी सरकार मोदी जी के बन गए तो भूखन मरिए गरीब काहे भूखन मरिए गरीब मने का भूखन मरे डर जी के चट्टे लड़का है मोए तोरे कर दिन में खाओ इतना कुत्ता हराम खोर है कौन मोदी मतलब तीसरी बार मोदी जी अगर बन गए बेईमान है हाँ। अरे नहीं बच्ची ईमानदार है वो मालूम है ईमानदार है 10 साल वहीं गरीबन का नहीं मार डारी सी है जो महंगाई हर चीज के कई दी सी 10 साल में एकदम मार डारी सी कब 150 रुपया से दाली बिकान हाँ कबो नहीं कबो नहीं कबो नहीं 150-200 रुपया किलो है अरहर के दाल अच्छा 28 का किलो मटर का दिन चली बताओ हम मटर का दाल 80 रुपया में हाँ 80 रुपया में और वो का कहा था तेल के रुपया लीटर है 450 रुपया लीटर कड़वा तेल और का? तो पानी से सब्जी नहीं बनते का पनीर तो बना वो दिखा दिखा रही और कहा उनका था हां लेगा मोसर है कि चाटे लड़का है तल महंगा लेके खावे हां हां के पास खेत है जो के लगे भैया नाम करिया चाहे अरे लेकिन यहां हल्दी मिर्चा वगैरह सस्ता होएगा हुए जहां तक हल्दी मिर्चा वगैरह 1500 रुपया किलो गरम मसाला है 1500 रुपये किलो हाँ गरम मसाला मोदी जी तो कह रहे हम जनता के लिए 18-18 घंटा काम करी थे और महंगाई कंट्रोल करी थे तुम बता रहे हो सब महंगा हो जाते बच्ची मोदी पूरा पड़ जाए गरीबन का बात ही कर दे खरीद ले रहा है मोदी गरीब लोगन से खुद ले रहा है गरीब लोगन के यहाँ तो पता नहीं सब लोगन का और कमाओ मोदी वाले ले रहा है सब मोदी ले रहे हैं जनता मारे भूखन अरे बहनी मारे का कह रहे हो जनता जो गेहूं तीनों बहुत है ना कौन भाव हो कौन है भवा खाली वादा करत हमका लागत है सब जने ना हैं साले चूतिया बना दिए थे अब का बच्ची कहने करेंगे मोदी यहां गलती से ना हमें आए गए तो फिर ठीक ना होए मारे गई मोदी यहां देहात में मिल जाए ना तो मोदी को ऊपर चप्पल ही चला दे अगर मोदी जी दिखाए जाए तो गलती से चप्पल चल जाएंगे देहात में मोदी को ऊपर देखो ये सारे गांव वाले हैं थोड़ा पीछे हट के देखिए ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया यहां पर चर्चा करने के लिए और देखो ये बच्ची जो है काहे इतना फायर है हम आपका कहा बताई अब बहुत नफरत करी
काहे परेशान हुई के सरकार से उनकी जब से सरकार का नहीं है 50 रुपए के नीचे कौन सब्जी नहीं बाजार है जा लिए कौनो सब्जी नहीं ना 50 रुपए के नीचे कौन नीचे है सब्जी बताओ लटा कदुआ 40-50 में का रहा तो खाली कदुए खइयो का नहीं गरीब का का करे वहा बहु तू हां गरीब जब नहीं रुपया तो का करे बता लौकी खा लियो लौकी गरीब कहां से खाले पैसा हुए चाहिए ना औवा भिंडी खा लियो जरूरी है लौकी गरीब लोग हां का करो भिंडी हो तो 60 रुपया में तो कई जने मतलब खाई हो जो उन मतलब भिंडी ना पूरा हुई है गरीब लोगन का खाली आलू मिल जाए तो वह बड़ी बात है रोटी के साथ आलू तो 50 रुपया में 30 किलो वो 20 रुपया 30 रुपया हो 30 रुपया है। अच्छा का लागत है अब की मोदी जी का मतलब अब हम तुमसे ना पूछब तुमसे तो ना पूछब हमें पता है इससे ना पूछब तो ना पूछब तुम बताओ मोदी जी जीती है ना जीती है अरे राज ने गुस्सा निकल आया आएगा गुस्सा आ रहा राज मोदी जी का हटावे का है मोदी जी का हटावे का है तुम बच्ची बता दो अच्छा मोदी का तो हम मनाए थे हमको गोली से मार दिए तो बहुत अच्छा अरे है हाँ प्रसाद बाटी देखिये हम लोग मनरेगा में काम करने के लिए जाते हैं काम हम लोगों को नहीं मिलता है अच्छा मनरेगा में काम हम लोगों को नहीं मिलता है प्रधान अपने चहेतों को काम देता है अच्छा एक बार काम कर रहे थे तो 6-6 महीने पैसे नहीं मिलते हैं आम तौर पर कोटा में अगर राशन लेने जाओ ना तो 4-4 किलो की घटतौली घटतौली मुख्य बात घटतौली उनसे कुछ कहो और वो लड़ाई करने के लिए आमादा हो जाते हैं अच्छा हाँ ये बात मुख्य बात है मैं रख रहा हूँ अच्छा ठीक है आपने रख दिया है मोदी जी सहारा दिया है कि ना दिया है मोदी सहारा देते तो प्लास्टिक चावल खिला खिला के जो है एक मोटा कई देंगे अब खुबा घैली आ गए उनते अब दूसरी सरकार को उम्मीद है दूसरी सरकार चलो अच्छा धीरे धीरे बताओ रा बरेली में कौन जीतेगा राहुल गांधी या दिनेश सिंह दिनेश का मुश्किल दिनेश सिंह राहुल गांधी राहुल गांधी दिनेश सिंह राहुल गांधी चाचा ये बच्चा वो कौ ऊपर वाला जा दिनेश सिंह या राहुल गांधी राहुल गांधी दिनेश सिंह या राहुल गांधी राहुल गांधी बच्ची दिनेश सिंह राहुल गांधी राहुल गांधी दिनेश सिंह या राहुल गांधी हम तो ना कहा कहो हाँ तुम बताओ अरे भैया राहुल गांधी तुम बताओ राहुल जीते तुम बताओ हाँ भैया वही जीते हाँ बच्ची बताओ दिनेश सिंह या राहुल गांधी राहुल गांधी दिनेश सिंह राहुल गांधी दिनेश सिंह राहुल गांधी राहुल गांधी दिनेश सिंह राहुल गांधी राहुल गांधी तो देखिए हम आम जनता के बीच में थे चर्चा कर रहे थे ये गांव है पसियन पुरवा है ये इस जगह पर जब हम पहुंचे तो गांव वालों से चर्चा किया आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना देखते रहे जनता कहें यानी हमारा शो।